हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमी रेसिपी। तो हम सभी जानते हैं भगवान श्री गणेश जी का महापर्व गणेश चतुर्थी आने ही वाला है। तो आज हम घर में मौजूद सामान से मोदक बनाएंगे और गणपति जी का स्वागत करेंगे। कई प्रकार के वैसे मोदक बनाते हैं और यहाँ भी मैंने बहुत से फ्लेवर्स के मोदक बनाए हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में हमने मिल्क ऐड करना है, मिल्क क्रीम मिल्क होना चाहिए और यहाँ पे मिल्क पाउडर भी मैंने मेजरिंग कप से भर के लिया है और इसी मेजरिंग कप से एक चौथाई मैंने दूध का भी लिया था। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करके एक स्मूथ टेक्सचर देंगे, लम्स फ्री टेक्सचर। यहाँ पे मैंने पैन को गैस पे नहीं चढ़ाया क्योंकि अगर गैस पे रखते हैं तो लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट में वैसे बहुत से टाइप के मिल्क पाउडर अवेलेबल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ इस तरह से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, कोई भी लम्स ना रहे इसमें। और यहाँ पे करीब बड़ी चम्मच से 2 चम्मच मैंने घी का लिया, ml में देखा जाए तो 60 ml मैंने घी का ऐड किया है। और चीनी को पीस कर छान कर मैंने रखा है। चीनी भी मेजरिंग कप से 1/4 कप है और उसे भी यहाँ पे ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलना चाहूँगी। अब ये स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। हमने गैस ऑन किया और पैन को गैस पे रखा और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और कंटिन्यू इसे हम स्पैचुला से स्टर करते रहेंगे। मिक्सचर को करीब 3 से 4 मिनट तक पकाना है, स्टिर करते हुए रहना है बिल्कुल बीच बीच में, नहीं तो ये साइड साइड में जलने लगेगी। वैसे ये नॉन स्टिकी है, जलेगी नहीं, बट इसमें हमने पिसी हुई चीनी मिल्क पाउडर ऐड किया है तो ये बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस इसे स्टिर करते रहें। यहाँ सॉल्यूशन थिक हो गया, यहाँ देखिए डो के रूप में रेडी हो गया है। अब हम इस डो को कंटिन्यू मिलाते रहेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे, फिर भी इसे मिक्स करेंगे क्योंकि पैन हमारा अभी भी गर्म है और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट। यहाँ देखिए हमारा एक डो के रूप में रेडी हो गया ठंडा होकर। यहाँ मैंने 5 बाउल लिए हैं, इसमें सेम क्वांटिटी डो का ऐड करेंगे क्योंकि मैं आज 6 फ्लेवर के मोदक बनाकर आपको बताने वाली हूँ। यहाँ देखिए मार्केट में बहुत से साइज के मोल्ड्स अवेलेबल हैं, बड़े छोटे मीडियम साइज कोई सा भी आप ले सकते हैं। स्टील के भी मोल्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस 4 टाइप का एक साथ ही मोल्ड ये वाला मैंने यूज किया है। इसके लिए पहले इसको ग्रीस करेंगे। यहाँ इलायची पाउडर डो में ऐड करूंगी क्योंकि मैं इलायची फ्लेवर का मोदक सबसे पहले बनाने जा रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा डो लेकर इसमें फिंगर की मदद से दबा दबा कर हम अच्छे से डालेंगे। इसी तरीके से हमारे जितने भी मोल्ड्स के लिए जगह बना है उन सब में डो को अच्छे से डालेंगे। हथेली से ऐसे दबाएंगे और बहुत आहिस्ते से इसे ओपन करेंगे। वाओ, यहाँ तो बहुत ही प्यारे शेप्स के मोदक हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इलायची मोदक रेडी हो गया, अब हम नेक्स्ट फ्लेवर की ओर चलते हैं। तो हम अब केसर मोदक बनाएंगे जो कि गणपति जी को अति प्रिय हैं और केसर मोदक गणपति जी को चढ़ाना बहुत शुभ भी माना जाता है। तो केसर मोदक बनाने के लिए मैंने दूध में केसर भिगो के रख दिया था पहले, दूध को थोड़ा डो में ऐड किया, अब इस तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास केसर ना हो तो केसरी फूड कलर भी मार्केट में अवेलेबल है, उसे भी आप इजीली ले सकते हैं। अब सेम जैसे इलायची मोदक किया उसी प्रकार इसे केसर मोदक को भी मोल्ड के अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, ये बिना मावे बिना चाशनी के बहुत इंस्टेंट तरीके से बनने वाला मोदक है जो कि घर में आप बहुत इजीली बना सकते हैं। घर के मौजूद सामान से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत करीब 10 से 15 मिनट में आपका ये मोदक बनकर रेडी हो जाएगा और जितनी क्वांटिटी चाहो उतने। तो इस तरह वाओ, यहाँ देखिए कितने प्यारे केसर मोदक भी हमारे बनके रेडी हो गए।
तो हमने दो फ्लेवर के मोदक तैयार कर लिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फ्लेवर की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अमूल का चॉकलेट सिरप लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोकोआ पाउडर को थोड़े दूध में मिक्स करके उसे डो में ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए यहाँ हमारा चॉकलेट वाला डो रेडी हो गया। सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने बनाया, डो को फिंगर की मदद से दबा दबा कर मोल्ड के अंदर डालना है। इसी तरीके से हम सारे मोदक को बना लेंगे। यहाँ देखिए, हमारा तीसरा फ्लेवर भी बनकर रेडी हो गया, चॉकलेट मोदक। कितना प्यारा शेप भी आया है और इसका कलर भी बहुत प्यारा चॉकलेटी दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे फ्लेवर की ओर। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर का शरबत लिया जो कि मेरे पास घर में अवेलेबल था। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ग्रीन फूड कलर भी मार्केट में आता है, या फिर आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, रेड, पिंक, कोई सा भी जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मेरे पास हरे रंग की शरबत थी तो उसे हमने डो में मिक्स किया ग्रीन मोदक बनाने के लिए। इस तरीके से मोल्ड के अंदर डो को हम डाल के फिंगर से प्रेस करते जाएंगे और फिर दबाकर धीरे सा ओपन करेंगे। ये देखिए, ग्रीन कलर का भी हमारा मोदक रेडी हो गया। हमने यहाँ चार तरह के मोदक बना लिए मोल्ड की मदद से। अब मैं आपको फ्रेंड्स विदाउट मोल्ड का मोदक बनाना बताऊंगी, वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने डो लेकर हथेली की मदद से इस तरह से राउंड राउंड करेंगे और डैब डैब करके और एक माचिस की तीली लेकर चारों ओर से लाइन लाइन बना देंगे, मोदक का शेप देंगे जैसे मोल्ड में बनकर निकलता है, और ऊपर इसका जो ऊपरी सिरा है उसे थोड़ा शार्प कर देंगे। अब केसर की पत्ती से इसे सजा देंगे। अब हम स्टफ मोदक बनाने वाले, उसके लिए मैंने एक में ड्राई फ्रूट्स और एक जगह नारियल क्रश करके लिया है। नारियल को हमने पहले भून लिया है जौगरी के साथ। यहाँ दो तरह के मोल्ड्स भी मैंने लिए हैं। ये देखिए, इसको पहले मोल्ड को मैंने ग्रीस किया। अब हम इसमें जो हमारा डो है वो फिंगर की मदद से दबा दबा कर अंदर अच्छी तरीके से सेट करेंगे ताकि एक बेस रेडी हो जाए, तभी तो हम उसमें फिल कर पाएंगे। यहाँ देखिए, हो गया। अब ड्राई फ्रूट जो हमने क्रश करके लिया है इसमें फिल किया। ड्राई फ्रूट को भी फिंगर की मदद से दबा दबा कर फिल करेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये बाहर ना निकले। अब ऊपर से डो लगा कर इसे चिपका देंगे, इसका मुंह पीछे का बंद कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे और इस तरह दबाकर धीरे से इसके पिन को निकालकर आहिस्ता से मोल्ड को हम ओपन करेंगे। वाओ, यहाँ भी बहुत ही प्यारा शेप मोदक का बनकर निकला है। अब हम स्टीम, ये मोल्ड है उसको ग्रीस किया हमने। अब जो ओपन हिस्सा है उसे फिंगर की मदद से दबाकर फिर से इसके अंदर डो डालेंगे जैसे पहले हमने किया, फिंगर की मदद से दबाकर सेट करेंगे और इसके अंदर जो हमने नारियल को क्रश करके रखा है उसे स्टफ करेंगे। इस तरह से स्टफ हो गया और डो को लेकर फिर से पीछे का हिस्सा इसका बंद करेंगे। इस तरह से हमारे सभी मोदक बनकर रेडी हो गए। अब हम इसे बहुत ही आराम से खोलेंगे। वाओ, ये भी शेप बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ है। अब केसर की पत्ती से इसे हम सजा देंगे। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी।